वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप सबका हमारे YouTube के चैनल एक ओंकार पर स्वागत है। आज हम गुरु नानक साहब जी की जीवनी पर बात करेंगे। गुरु नानक साहब का जन्म 15 अप्रैल 1469 जिसका नाम अब ननकाना है वहां पर हुआ, जो कि अब पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। गुरु नानक साहब जी की माता का नाम माता तृप्ता जी और पिताजी का नाम मेहता कालू था। जब गुरु नानक साहब 9 साल के हुए तो उनके पिताजी ने, जो कि हिंदू धर्म में एक प्रचलित जनेऊ की सेरेमनी रखी, तो इस सेरेमनी में उन्होंने अपने रिश्तेदार, आस पड़ोस के और जो कोई भी उनके जानकार लोग थे उन्हें बुलाया गया। तो जब यह रस्म पंडित हरदयाल जी ने शुरू करी और गुरु नानक साहब जी को जनेऊ पहनाने लगा, तो गुरु नानक साहब ने उन्हें रोका और उनसे कहा कि वो ये जनेऊ उनकी बड़ी बहन, जो कि गुरु नानक साहब जी से 5 साल बड़ी थी, उन्हें पहनाया जाए। तो पंडित जी ने मना कर दिया कि हिंदू धर्म में औरतों को जनेऊ पाने का अधिकार नहीं है। यह बात सुनकर गुरु जी ने पंडित जी को जनेऊ पहनने से इनकार कर दिया और कहा कि ये तो औरतों के साथ भेदभाव है, इस करके मैं ये जनेऊ नहीं पाऊंगा। तो आओ चलते हैं जब गुरु नानक साहब ने अपनी उदासियाँ शुरू करी। अपनी उदासियों में गुरु साहब हिंदुओं और मुसलमानों के तीर्थ स्थलों पर भी गए। तो पहले चलते हैं जब वो हरिद्वार पहुँचते हैं, तो हरिद्वार में वह देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग गंगा नदी में स्नान कर रहे थे और अपने दोनों हाथों में पानी भरकर पूरब दिशा में वह पानी गिरा रहे थे। तो यह देखकर गुरु साहब भी गंगा नदी में उतर आए और उन्होंने उसी तरह से पश्चिम दिशा में अपने दोनों हाथों में पानी भरकर नीचे गिराना शुरू कर दिया। तो यह देखकर काफ़ी सारे लोग गुरु साहब के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो पश्चिम दिशा में पानी को क्यों फेंक रहे हैं। तो गुरु साहब ने उनसे पूछा कि वो पूरब में पानी क्यों गिरा रहे हैं। तो वो जवाब देते हैं कि हम अपने पितरों को पानी दे रहे हैं, जो कि सूरज से लाखों मील आगे देवलोक में है। जब गुरु साहब ने यह सुना तो उन्होंने और जोर से पश्चिम दिशा में पानी गिरना शुरू कर दिया। तो यह देख एक आदमी ने गुरु साहब का हाथ पकड़ के उनको रोका कि वह पश्चिम दिशा में पानी क्यों गिरा रहे हैं। तो गुरु साहब उनका जवाब देते हुए कहते हैं कि उनकी खेती पंजाब में पानी की कमी से सूख रही है, वो अपनी फसलों को पानी पहुंचा रहे हैं। तो वहाँ जितने लोग थे वो हंसने लगे और गुरु साहब को कहने लगे कि आपका पंजाब तो हजारों मील दूर है, यह पानी वहाँ नहीं पहुँच सकता। तो गुरु साहब उनको कहते हैं कि जब मेरा पानी पंजाब नहीं पहुँच सकता तो आपका पानी लाखों मील दूर अपने पितरों तक कैसे पहुँच सकता है। तो यहाँ पर यह बात समझ आ जानी चाहिए कि गुरु साहब जो भी बात समझाते थे वो लॉजिक से समझाते थे। तो अब हम गुरु साहब की मक्का यात्रा पर बात करते हैं। यहाँ पर गुरु साहब अपने साथी मर्दाना जी के साथ पहुँचे हुए थे और वे दोनों काबा पहुँचते हैं और गुरु साहब अपने दोनों पैर काबे की तरफ करके ज़मीन पर सो जाते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सारे हाजी देखते हैं कि कोई काफिर अपने दोनों पैर काबा की तरफ करके सो रहा है। तो उन हाजियों में से एक हाजी आके गुरु साहब को ज़ोर से लात मारता है और गुरु साहब को कहता है, काफिर तुमने अपने पैर काबे की तरफ क्यों किए हैं, तुम्हें पता नहीं कि वो अल्लाह का घर है। तो गुरु साहब ने उसे जवाब दिया कि मैं बहुत दूर पंजाब से आया हूँ और पूरी तरह से थक चुका था, तो मैं सोते समय ध्यान नहीं दे पाया। फिर गुरु साहब ने उसे निम्रता से कहा कि मेरे में उठने की हिम्मत नहीं है, मैं बहुत थका हुआ हूँ, तुम मेरी लातों को उठाकर ऐसी जगह रख दो जहाँ पर अल्लाह नहीं है। तो यह बात सुनकर उस हाजी ने गुरु साहब के पैर तो को उठा तो लिया, मगर उसे समझ ना पड़े कि वो रखे कहाँ। तो इस तरह गुरु साहब ने उन सारे हाजियों को समझाया कि अल्लाह हर जगह है। मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं जो विचार गोष्ठियाँ उनकी मक्का में काजियों से हुई उन पर भी रोशनी डालूंगा। अब हम चलते हैं जब गुरु नानक साहब जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, तो वहां के पंडितों ने गुरु साहब को जगन्नाथ मंदिर में आरती के लिए आमंत्रित किया। तो गुरु साहब जब वहां आरती के समय पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस मंदिर के पुजारी जगन्नाथ भगवान की मूर्ति के आगे थाल में दिए जगाकर आरती कर रहे थे। तो यह देख गुरु साहब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। जब आरती खत्म होती है तो पुजारी बाहर आकर गुरु साहब से पूछते हैं कि वो आरती में शामिल क्यों नहीं हुए। तो गुरु साहब ने उन्हें जवाब दिया कि तुम जो भगवान जगन्नाथ की आरती कर रहे थे वो सच्ची आरती नहीं है, और मैं बाहर इस करके आ गया ताकि मैं उस जगत के नाथ की सच्ची आरती में शामिल हो सकूं। गुरु साहब ने उन्हें समझाया कि आप लोगों ने जो कि जगत का नाथ है उसकी मूर्ति बनाई है, अगर वो मूर्ति जगत का नाथ है तो उस मूर्ति को बनाने वाला उससे भी बड़ा हो गया। तो गुरु साहब उन्हें अपनी आरती सुनाते हैं और इसके अर्थ समझाते हैं। जो आरती गुरु नानक साहब ने उचारी वो मैं आपको गाकर सुना रहा हूँ। Thank you.
गगन में ताल रव चंद दीपक बने ताल कमंडल जनक मोती मले आन लो पवन सवरो करे सगल बन राय बुलंद ज्योति कैसी आरती होए कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती कैसी आरती होए कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती अनहत शब्द वजत सच तो नैन नन नैन है तो एको सच मोरत नना एक तो ही सच पद विमल नन एक पद गंद बिन सच तब गदेव चलत मोही तब मैं जोत जोत 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 है सोए दिले चानन सब मैं चानन हुए दुर्गा की जोत प्रगट होए ज्योति सुपावे द्वार से होए हर चरण कमल मकरंद लोपित मनो अनदिन मोहे आई प्यासा कृपा जल दे नानक सरंग को होए जाते तेरे नाम वासा होए जाते तेरे नाए वासा। अभी आपको ये मैंने गुरु नानक साहब द्वारा उच्चारण आरती सुनाई है, तो अब समझते हैं कि गुरु नानक साहब क्या कह रहे हैं इस आरती में। तो वो कहते हैं गगन में थार रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती। तो गुरु साहब समझा रहे हैं कि सारा गगन मानो एक बड़ा सा थाल है जिसमें सूरज चंद्रमा दीपक के समान है और तारों का समूह बड़े से थाल में ढेर से मोतियों के समान है। धूप मले आन लो पवन चवरो करे सगल बन राय फुलन ज्योति। इस पंक्ति में गुरु साहब समझा रहे हैं कि मलया नाम के पर्वत में चंदन के पेड़ों से आने वाली खुशबू मानो धूप बत्ती हो जिसको पवन चवर झुला रही है तथा सारी पृथ्वी के पेड़ पौधे मानो आरती के फूल हों। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती हे जन्म मरण को मिटाने वाले प्रभु कैसी सुंदर तेरी आरती हो रही है। अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सभी जीवों के अंदर मानो अपने आप से ही शब्दों के नगाड़े बज रहे हों। सहस तव नैन नन नैन है तोय को सहस मूरत नना एक तोही हर जीवाओं में विद्यमान होने से प्रभु तेरी हजारों आंखें हैं। निराकार रूप होने के कारण परंतु तेरी कोई भी आंख नहीं है तेरी हजारों मूर्तियां हैं परंतु वास्तव में तेरी कोई भी मूर्ति नहीं। सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंधिव चरत मोहि तेरे हजारों कमल रूपी चरण है प्रभु परंतु निराकार होने के कारण तेरा एक भी चरण नहीं है। हजारों नाक होने पर भी प्रभु तेरा एक भी नाक नहीं है बस तेरे इन्हीं चमत्कार ने मुझे मोह लिया। सब मैं ज्योत ज्योत है सोहित इसके चानन सब मैं चानन होए सभी जीवों में जो प्रकाश है ज्योत है वे तेरी ही तो ज्योत है तेरी लो से ही सभी जीवों में प्रकाश है। गुर साखी ज्योत प्रगट होए ज्योत इस पावे सो आरती होए ऐसे प्रकाश का ज्ञान गुरु की शिक्षा से मिलता है। असल में जो प्रभु को सही लगे वही सच्ची आरती है प्रभु की रजा में जो हो रहा है जीवों को अच्छा लगे। हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अनदिनों मोहे आई प्यासा प्रभु के चरण कमलों की धूल को मेरा मन ललचा रहा है रात दिन मुझे प्रभु रस की प्यास लगी रहती है। कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नायवासा मुझ पापीहे को कृपा कर जल प्रदान कीजिए जिससे प्रभु मैं तेरे नाम में सदा के लिए टिका रहूं। तो आपको मैंने गुरु नानक साहब द्वारा उचारी आरती की व्याख्या करके सुनाई है।
गुरु साहब यहाँ पर यही समझाना चाहते हैं कि उस जगत के नाथ की आरती तो हो रही है, हमें और कोई आरती करने की जरूरत नहीं। बाकी हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब पखंड है। मेरी आगे आने वाली वीडियोस में अच्छी तरह से समझाऊंगा कि गुरु नानक साहब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज बस इतना ही। आप सबका धन्यवाद जो ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।